हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, ये हमारी लेडर सीरीज़, लेडर प्रोग्रामिंग सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने दो वीडियो और लेडर प्रोग्रामिंग सीरीज़ में ला के रखे हुए हैं, डाले हुए हैं, जिसमें से पहला था द स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसको हम लेडर प्रोग्रामिंग से कैसे, और जो दूसरा वीडियो था वो दोस्तों था कि ड्यूअल स्टार्टर जो होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इलेक्ट्रिकल का, उसको हम लेडर लॉजिक की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो वीडियो हमने दो वीडियो बना रखे हैं, वो हम उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि थोड़ा को और क्लियरिटी आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम वीडियो लेके आए हैं, थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, मतलब लेंथी टॉपिक है। ये टॉपिक है लेडर लॉजिक। आपको अगर दो वीडियो पिछले वाले देख लिए तो बहुत आसान था, ये भी आसान है, बस थोड़ा टॉपिक जब लेंथी हो जाता है ना तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें समझना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये कि हमारा ये टैंक है, उसमें इनपुट वाटर सप्लाई जो है वो 10 m³/h की हेल्प से आ रही है, और यहाँ पे एक पंप लगा है जिसकी कैपेसिटी है ड्रेन करने की 20 m³/h। यानी ये जो इनपुट पावर सप्लाई है ये कंटिन्यूसली आती रहेगी। हमको एक ऐसा ऑटोमेशन यहाँ पे डिज़ाइन करना है कि जैसे ही हमारा हाई लेवल स्विच तक वाटर पहुँच जाए, मेरा पंप जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, और ये पंप तब तक चलता रहे जब तक मेरा वाटर का लेवल जो है लो लेवल स्विच से नीचे ना आ जाए। और जैसे मेरा लो लेवल स्विच के नीचे आ जाएगा वाटर, मेरा पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और फिर से ये मेरा टैंक जो है वो भरना स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही हाई लेवल तक पहुंचेगा फिर मेरा पंप स्टार्ट हो जाए। तो ये साइकिल मेरी चलती रहनी चाहिए। तो ये इसका लेडर लॉजिक हमने बना रखा है। उसको बताने से पहले दोस्तों, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो हमारा एक मैनुअल ऑटो का स्विच होना चाहिए कि हमारा जो लूप है वो मैनुअल में चलेगा या ऑटो में चलेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हाई लेवल स्विच है और लो लेवल स्विच, यानी दो लेवल स्विच हैं, उनके फंक्शन किस कंडीशन पे क्या रहेंगे ये हम आपको बता दें। अगर लो लेवल स्विच के सामने वाटर है, यानी लो लेवल स्विच के सामने अगर वाटर है तो वो NC रहेगा, जो नॉर्मली सही चीज़ है ना। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है आपके सामने, अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो वो NC बन जाता है, वैसे लेवल स्विच के सामने अगर कोई चीज़ है तो वो NC है। लेवल स्विच के सामने अगर वाटर नहीं है तो NO है। उसी तरीके हाई लेवल स्विच के सामने अगर वाटर है तो NC है, और अगर नहीं है वाटर तो NO है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे लेडर लॉजिक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ से हमको सेलेक्टर स्विच से ऑटो में करना होगा, तो जैसे ही हम ऑटो में करेंगे तो दो बिट होती हैं जैसे बाइनरी में, 0 1, तो वो 1 नंबर की बिट जनरेट कर देगा, यानी वो NC जनरेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने मैनुअल ऑटो ले रखा है, यहाँ पे NC ले रखा है, और जैसे ही हम इसे ऑटो में डालेंगे तो ये NO बन जाएगा, और ये वाला मैनुअल ऑटो NO है तो ये बन जाएगा NC। तो अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी। इसका मतलब है ये वाली रिंग इनएक्टिव हो जाएगी, ये वाली रिंग एक्टिव हो जाएगी। अब मेरी सप्लाई यहाँ से आ चुकी है, अब लैच और अनलैच पे डिपेंड करेगा कि मेरी सप्लाई आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। चलिए अब आपको कंडीशन देते तब आपको लैच और अनलैच पे आ पाएंगे। सपोज़ करिए मेरा टैंक इस समय जो है वो आधा भरा हुआ है, और वो पानी आता जा रहा है, वाटर आता जा रहा है इसके अंदर। अब भरते भरते हाई लेवल स्विच तक पहुँच गया। अब दोस्तों, जैसे ही मेरा वाटर का लेवल हाई लेवल स्विच पे पहुंचेगा, मेरा हाई लेवल स्विच एक्ट हो जाएगा, यानी NC बना देगा। तो अब हम पहली के बजाय सेकंड रंग पे आ जाते हैं। सेकंड रंग ये कह रही है कि हमने अपने सेलेक्टर स्विच को ऑटो में डाल दिया है, तो ये NC हो चुका है। हाई लेवल स्विच मेरा अब जो है वो NC हो चुका है, क्योंकि हाई लेवल स्विच के सामने वाटर आ चुका है। तो जैसे यहाँ से सप्लाई आई, हाई लेवल स्विच से भी NC होके निकली, और ये मेरी लैच पे आई, यानी मेरी लैच की कॉइल एक्टिव होगी। लैच की कॉइल जैसे ही एक्टिव होगी, यानी लैच का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका जो मोटर का कॉन्टैक्टर है या कॉइल है वो होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो में पड़ा था, लैच हो गया, लैच होने से भी NC हो गया, ये NC हो गया था ऑटो में डालते, ये NC हो गया, यहाँ पे ऑन कर दी है मोटर, अब मेरी मोटर चल जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही मेरा वाटर का लेवल हाई पे आएगा, मेरा ये हाई लेवल स्विच ऑन हो जाएगा, लैच कर देगा मेरे कॉन्टैक्टर को। जैसे ही लैच होगा मेरा सर्किट ऑन हो चुका होगा और मोटर मेरी चल जाएगी। अब सपोज़ करिए मोटर चलना स्टार्ट हो गई, और कुछ देर बाद मेरा पानी जो है वो घट के लो लेवल स्विच के नीचे आ चुका है, यानी मेरा लेवल लो हो गया है। तो जैसे ही लेवल मेरा लो हो जाएगा तो दोस्तों होगा क्या, ये हाई लेवल स्विच हट जाएगा, ये NO हो जाएगा, लैचिंग मेरी हट जाएगी। यहाँ पे सर्किट तब तक लैच रहेगा जब तक मेरा लो लेवल स्विच के नीचे नहीं आ जाता। एक बार कोई चीज़ लैच हो जाती है, यानी होल्ड हो जाती है, वो होल्ड हो जाती तब तक जब तक उसे हम अनहोल्ड ना करें। ठीक है दोस्तों, अनलैच ना करें। तो अनलैच के लिए क्या हो गया, यहाँ पर हमने सर्किट को अपने ऑटो में डाल रखा ही था, तो ये NC रहेगा। लो लेवल स्विच NC नॉर्मली है, यानी नॉर्मली क्लोज्ड है, तो
तो जैसे ही दोस्तों मेरा सप्लाई हेल्दी होगी, लो लेवल स्विच से जैसे ही नीचे आएगा वो एनओ बन जाएगा। एनओ बनते ही मेरी यहाँ पे सप्लाई क्या आ जाएगी दोस्तों, हाई हो जाएगी। हाई आते ही मेरा यहाँ पे ये हाई हो जाएगा अनलैच की कॉल। तो अनलैच की कॉल जैसे ही हाई हो जाएगी वैसे ही इसको क्या कर देगा दोस्तों, अनलैच कर देगा। और अनलैच करते ही मेरी सप्लाई आना बंद हो जाएगी मोटर पर, मेरा पंप जो है लो लेवल स्विच पर बंद हो जाएगा। और उसी का फीडबैक हमने एलईडी की फॉर्म में ले रखा है कि जब मेरा मोटर रन कर रहा होगा तो रन फीडबैक मेरा हेल्दी होगा तो मेरी ग्रीन लाइट जल्दी होगी। जब मेरा लेवल लो हो जाएगा तो लो पे मेरी रेड लाइट जल जाएगी। जब मेरा लेवल हाई हो जाएगा तो ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनते ही मेरी ब्लू लाइट जल जाएगी। तो दोस्तों ये था कि आप, और जैसे ही मेरा लो लेवल स्विच पे आया इसने अनलैच कर दिया, मेरा मोटर बंद हो गया, पानी भरना स्टार्ट हो गया। हाई लेवल पे जैसे ही आया, हाई लेवल पे आते ही सेम साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट हो जाएगी, हाई लेवल पे आया, लैच हो गया मेरा सर्किट, ऑन हो गया मोटर, ऑन हो गई। चलिए दोस्तों अब अगर आपने सपोज़ करिए इस चीज़ को, यानी इस कंट्रोलर को आपने क्या कर दिया है, मैनुअल में डाल दिया है, तो मैनुअल में सिर्फ ये लो लेवल स्विच के इनपुट से ही चलेगा, हाई लेवल के इनपुट से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली रंग में लो लेवल स्विच का प्रोविज़न ले रखा है। जब आपने इसे मैनुअल में डाल दिया है तो यानी वो नॉर्मल कंडीशन हो गई। नॉर्मल कंडीशन में ये एनसी रहेगा, जब मैनुअल में रहेगा तो ये एनओ जो है वो एनसी नहीं हो पाएगा, ये एनसी का एनसी ही रहेगा। यानी यहाँ मेरी सप्लाई आ जाएगी। और सपोज़ करिए इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा टैंक जो है वो समय ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, यानी लो लेवल स्विच के ऊपर है। तो लो लेवल